है गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो भाई लोग, गुड मॉर्निंग सबको। आज आप लोग के लिए लाए हैं यामाहा MT-15 का टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं भाई लोग, कितना जाती है टॉप स्पीड। और भाई का थोड़ा क्लच ख़राब हो गया है लग रहा है, भाई बोल रहे थे कि क्लच ख़राब हुआ है, इस वजह से टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं मार पाएगी, टॉप स्पीड गेन नहीं कर पाएगी। तो भाई लोग, ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, 2022 मॉडल है। डुअल चैनल ABS जो 2023 मॉडल में आई थी वो वाली है, इसमें सिंगल चैनल ABS आती है। तो इसमें आगे पीछे दोनों में, फ्रंट में भी और बैक में भी डिस्क ब्रेक दिया है, काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करती है बोलते हैं। अब देखते हैं कितना जाती है टॉप स्पीड, भगा पाते हैं इसको। तो चलिए ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं, कितना टॉप स्पीड ले पाते हैं MT-15 को। पता ही नहीं चलता है R15 बोल रहे हैं कि MT-15 बोल रहे हैं। दोस्तों दोनों सेम लगता है नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। एक गियर में 39, थर्ड गियर लगा लिए हैं दोस्तों 98, 105, 106, पांचवा गियर लगा लिए हैं, 106। गाड़ी आ रही, हल्का धीरे कर लेते हैं क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहिए दोस्तों गाड़ी से। 118, 121, 122, छठा गियर तो अभी तक लगा ही नहीं है दोस्तों, इसके लिए जगह चाहिए जगह। 122, 122, 123, 124, 124। भाई लोग, इसके लिए जगह चाहिए क्योंकि 6 गियर में लिमिटर ही नहीं मारा था, 5th गियर में लिमिटर आया था, 122 आसपास आया था लिमिटर, और 6th गियर में तो लिमिटर ही नहीं आया। तो 6th गियर के लिए, इसके लिए लंबा रूट चाहिए, हाईवे चाहिए, तो हम लोग साइड हाईवे नहीं है। तो चलिए अब सेकेंड राउंड में, जगह थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो सेकेंड राउंड में भगा के देखते हैं कितना जाती है टॉप स्पीड। तो लास्ट गई थी 122-123 गई थी, 24 आसपास गई थी। तो चलिए सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। और ये हॉर्न इसने बीच में दे दिया है ना दोस्तों, यहाँ इंडिकेटर था उसको इधर नीचे कर दिया इंडिकेटर को, और हॉर्न को ऊपर कर दिया है, तो इसमें हॉर्न मारने में दिक्कत आती है। यामाहा वाले, हॉर्न को नीचे कर दो। तो चलिए दोस्तों सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट गियर में 44 जा रही है, अब सेकेंड गियर में कितना जाती है, 66 जा रही है सेकेंड गियर में दोस्तों, सेकेंड गियर में 66। अब थर्ड गियर में देखते हैं कितना जाती है, थर्ड गियर में 89 में लिमिटर आ रही है। अब फोर्थ गियर में कितना लिमिटर आती है देखते हैं, 105, 106 जा रही है, 105, 106। अब फिफ्थ गियर में देखते हैं, फिफ्थ गियर में कितना मिलीमीटर आ रही है, रेडियो एक्टिवेट हो गया है दोस्तों, 122 तक गई है, 127 लिमिटर अभी तक नहीं आया है, 124। अब छठा गियर लगाते हैं, छठा गियर में कितना लिमिटर आती है, 125 तक गई थी, काफ़ी अच्छा पावर दे रही है दोस्तों MT-15। और मेरा भी ड्रीम है कि MT-15 हम भी लें, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है। सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा तो ड्रीम भी पूरा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का वजह से दोस्तों। तो रिजल्ट की बात करें तो इसमें गई, पहले रोक लेते हैं गाड़ी को, तो
तो भाई लोग आप लोग ने देखे कि MT 15 फिफ्थ गियर में ही 122 24 जा रही है, 24 आसपास गई थी फिफ्थ गियर में ही। तो इसके लिए जगह चाहिए सिक्स गियर के लिए, काफ़ी काफ़ी लेट में लिमिटर मारती है दोस्तों। तो MT 15 काफ़ी अच्छा बाइक है और माइलेज के मामले में भी काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन MT लवर है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो भाई लोग वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।